Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीपी ट्यूटर में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट होता क्या है? बेसिकली स्मार्ट आर्ट में हम किसी भी काम की, यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी हायरार्की बनाते हैं। हायरार्की क्या होती है कि जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं उन तमाम के कोई ना कोई पोस्ट होती है, और उस पोस्ट का एक नाम होता है मखसूस। फिर उसकी कैटेगरीज होती है, कुछ ऑर्डिनेट्स होते हैं, कुछ सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, कुछ सीईओज होते हैं, कुछ डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ चीफ्स होते हैं। तो इन तमाम की हायरार्की हम ग्राफिक मोड पे बनाते हैं। जैसे अगर कोई आपने मंथली रिपोर्ट देनी है, ईयरली रिपोर्ट देनी है, उसके बारे में एक चार्ट नुमा आपके पास जो है वो एक ग्राफ आता है जिसके अंदर इसकी डिटेल मौजूद होती है। अब ये बनाते किस तरह से, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, वो तमाम हम इसमें आज सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इसमें देखें ऑल लिखा हुआ आ रहा है। तो जितने भी इसके अंदर ये डिज़ाइंस हैं वो तमाम आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम में शो कर रहा है। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये देख लें, ये सारा लिस्ट के हिसाब से चल रहा है। ये प्रोसेस जो आपकी ग्रोथ होती है या कोई भी प्रोसेस होता है उसके हवाले से, ये साइकिलिंग के हवाले से, कोई भी ऐसी आपने रिपोर्ट देनी है जिसमें किसी काम को साइकिलिंग के तौर पर दिखाना है, क्योंकि वो काम कंटिन्यू चल रहा है, सिक्वेंशियल चल रहा है। इसी तरह हायरार्की जो भी मैं बात कर रहा था आप लोगों से, ये वो है। फिर रिलेशनशिप कि आपका जो काम है वो किस तरह से एक दूसरे चीज़ों से रिलेट है। इसके अलावा मैट्रिक्स की स्टाइल भी है, और फिर पैरामिड भी है जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को अप एंड डाउन शो करते हैं। चलें जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल सिंपल सा ये आपका स्मार्ट आर्ट। चलें जी, अब देखें यहाँ पर कुछ बॉक्स मेरे पास इंसर्ट हो गए। अब ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स ही आपकी जो है वो कैटेगरी, अपना कैटेगरी यानी कि जो आप पोस्ट यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं ये वही चीज़ है। मिसाल के तौर पे स्टार्ट करते हैं कि पहले हम बताते हैं कि भाई इसको सपोज कर लें कि आपके पास एक कंपनी है और उसकी ब्रांचेज बताते हैं आपने। सपोज़ कर लें कि हमारे पास नेस्ले की कंपनी है या डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हमारे पास नेस्ले आ गया। अब हम इसमें अपनी डिटेल्स बता रहे हैं कि हमारी जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कराची, हैदराबाद, कुछ इसका बेसिक तरीक़ेकार है कि आप अपने काम को चार्ट की शक्ल में या आर्ट की शक्ल में अगर बताना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरह यूज़ करते हैं। अब इसमें मज़ीद खूबसूरती लाते हैं, डिज़ाइन की तरफ आते हैं। देखें डिज़ाइन में सबसे पहले ऐड शेप है, अगर आप इसमें शेप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड शेप कर दें, एक और शेप आ जाएगी। अब बिफ़ोर और आफ्टर है, इससे पहले या इसके बाद में जैसे भी आप चाहें ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप ऐड बुलेट भी इसमें कर सकते हैं, इसमें अगर आप बुलेट ऐड करना चाहते हैं एक और आपके पास डेटा आ जाएगा। इसके अलावा मज़ीद इसको आप डीमोड भी कर सकते हैं, जैसे अब ये आपको डीमोड करना है आप डीमोड कर दें इसको, हैदराबाद इसमें आ जाएगा। इसी तरह से ये कुछ इसके डिज़ाइंस हैं, वही डिज़ाइन हैं जो वहाँ पे शो हो रहे थे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए या स्टाइल चेंज हो जाए इसका, किसी भी शेप में चला जाए या दूसरी शेप में, तो आप यहाँ पे देखें सिर्फ कर्सर लेकर आएंगे यह आपको इसकी चेंजिंग दिखाता रहेगा, ये इस तरह चेंजिंग लाएगा इसमें। ठीक है, अब इसमें कुछ पिक्स वाले भी हैं कि अगर कोई पिक्चर वगैरह आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम करेंगे।
इसके अलावा ये इसके कुछ कलर्स हैं, कोई भी कलर आप इसमें अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मज़ीद ये इसके एडवांस कुछ स्टाइल्स हैं, एम्बोज स्टाइल्स हैं और 3D भी हैं थोड़े से। ये कुछ एम्बोज हैं, ये कुछ 3D टाइप का है, तो ये भी इनमें भी आप इनको क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा रीसेट ग्राफिक में ये होगा कि जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई की वो सब की सब ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में स्मॉलर थोड़ा छोटा हो जाएगा, लार्जर में थोड़ा बड़ा हो जाएंगे। चेंज शेप, अगर शेप आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस शेप को इसमें चेंज करना चाह रहा हूँ, अब देखें ये इस शेप को इसमें चेंज कर देगा। ये देखें, सिलेक्शन नहीं हुई थी उस वक्त मेरी, इसीलिए इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं, जितनी आप सिलेक्शन कर लेंगे उन तमाम पे ये अप्लाई हो जाएगी शेप, जो भी आप इसको रखना चाहते हैं इस तरह। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, इसमें फिर मज़ीद ये ऑप्शन जो शेप वाले हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, अब इसमें आप चाहें तो कलर भी इनके चेंज कर सकते हैं, इनके इनको डिज़ाइन भी दूसरे भी दे सकते हैं। ये देखें, मज़ीद इसमें ख़ूबसूरती लाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये आपको सूटेबल नहीं लग रहा, आप इसमें पिक्चर ऐड कर दें, इस तरह से ये तमाम के अंदर पिक्चर बैकग्राउंड पे आ जाएगी। और ग्रेडियंट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं आप, और सेम उसी तरह से जैसे आप शेप में इन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, ये तमाम आपके यहाँ पर भी यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। सपोज़ कर लें मैं ये स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके अलावा आउटलाइन है, अगर आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन भी आ जाएगी इसमें, लेकिन उससे पहले आपको आउटलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी शो करेगा। और इसके अलावा इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, प्रीसेट इसके डिज़ाइंस हैं, मज़ीद देखें। और इसमें आप बेहतर करना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों को भी अप्लाई कर सकते हैं आप, क्लिक कर देंगे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा शेडोज़ हैं, शेडोज़ भी आ जाएंगे इसमें, अगर आप शेडो देना चाहते हैं। ये शेडो है, इसके अलावा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन भी अप्लाई हो जाएगी। फिर ग्लो है, ग्लो ऑडियो जंगल।